आप अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस हीरोइन की मैं बात कर रही हूँ वो कहती हैं कि लोग मुझसे कहते थे कि मैं बेहद हसीन और ख़ूबसूरत हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता था। लेकिन जब किशोर कुमार जी ने मुझसे शादी की तो मुझे विश्वास हो गया कि वाकई मैं बहुत ख़ूबसूरत और हसीन हूँ, क्योंकि मुझसे पहले उनकी जो तीन बीवियाँ थीं वो बेहद हसीन और ख़ूबसूरत थीं। ये कहना है अपने वक्त की मशहूर हीरोइन लीना चंदा वर्कर का। किशोर कुमार कहते थे कि लीना की सिर्फ सूरत ही अच्छी नहीं है, सीरत भी बहुत अच्छी है। उन्होंने इस बात को बिल्कुल गलत साबित करके दिखा दिया है कि कोई भी एक्ट्रेस या हीरोइन अच्छी बीवी या अच्छी माँ नहीं बन सकती। वो बहुत अच्छी बीवी थी और बेहतरीन माँ। और हम आपको बता दें कि उनका एक बेटा भी है, सुमित कुमार। 29 अगस्त 1950 में पैदा हुई थी लीना चंदा वर्कर धारवाड़ में, जो कर्नाटक में है। उनके पिता का नाम था श्रीनाथ और वो एक आर्मी ऑफिसर थे। फिल्मों में काम करने का शौक़ लीना को बचपन से था। 60 के दशक में फिल्म फेयर की तरफ से मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था। लीना मुंबई आई, कॉन्टेस्ट जीत गईं और उसके बाद एड फिल्मों में काम करने लगीं। और जब लोगों ने उनको एड फिल्मों में देखा तो फिर क्या था, फिल्मों की लाइन लग गई। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो, जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। लीना कहती हैं कि मैं दत्त साहब की, सुनील दत्त साहब की बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि फिल्मों में सबसे पहले उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था 1968 में, और उस फिल्म का नाम था मन का मीत। और मेरे साथ हीरो थे दत्त साहब के सगे छोटे भाई सोम दत्त। लीना चंदा वर्कर 16-17 सालों तक फिल्मों में काम करती रहीं और लगभग 40 फिल्मों में काम किया, और वो भी सब बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े टॉप मोस्ट हीरोज के साथ। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना तमन्ना दवा। लीना दिलीप कुमार की जबरदस्त फैन थी और उनके साथ काम करना चाहती थी बहसियत हीरोइन, और उनकी ये तमन्ना, ये ख्वाहिश पूरी हुई 1976 में, जब उनकी फिल्म आई बैराग। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, यही सोच कर रात भर में सोई नहीं, सोई नहीं। लीना ने दो शादियां की थी। उनके पहले पति का नाम था सिद्धार्थ बंदोदकर और वो गोवा के चीफ मिनिस्टर के बेटे थे। लेकिन अफसोस कि शादी के एक साल के अंदर एक एक्सीडेंट में सिद्धार्थ ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनकी डेथ हो गई और सिर्फ 25 साल की उम्र में लीना विडो हो गई। लीना कहती हैं कि मैं अपने पति सिद्धार्थ की डेथ के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी रुक गई है, थम गई है, बिल्कुल फ्रीज हो गई है। और ऐसे में किशोर कुमार मेरी ज़िंदगी में आए एक फरिश्ता बनकर, मुझसे शादी की और मुझे दोबारा हंसना और जीना सीखा। गम का फसाना बन गया अच्छा, अच्छा जी, एक बहाना
बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा। 1973 में लीना की एक फिल्म आई थी मंचली, और उस फिल्म में मैंने भी काम किया था, और उस वक्त से लेके आज तक हम दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती हो गई है और अक्सर मुलाकातें भी होती हैं। लीना कहती है कि तबस्सुम वैसे तो हर इंसान की ज़िंदगी में खुशी भी होती है और गम भी होता है, लेकिन जहाँ तक मेरी ज़िंदगी का ताल्लुक है, मेरी ज़िंदगी में गम का जो तवाज़न है, रेशियो, वो बहुत ज़्यादा है। पहले मेरी माँ ये दुनिया छोड़ के चली गई, उसके बाद मेरे पति सिद्धार्थ की डेथ हो गई। मैं उस गम से उभरी भी नहीं थी तो 1985 में मेरे भाई ने आत्महत्या कर ली और मैं बिल्कुल टूट गई। ऐसे में किशोर कुमार ने मुझे संभाला, लेकिन गमों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। 2 साल बाद 87 में किशोर कुमार भी दुनिया छोड़ के चले गए। लीना चंदावरकर बहुत बहादुर हैं और उन्होंने हालात से लड़ना सीख लिया है। वो कहती हैं कि कुछ लोग जीते जी मर जाते हैं और कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, और ऐसे ही थे किशोर कुमार। वो आज भी मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसी बातें भी बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।